कैसे आप ठीक ठाक। मैं मिस नजमा आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज के सबक को आगाज करते हैं अल्लाह के नाम से, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा दिन है लेक्चर का वो है फिर पांचवा दिन है आज हमारा लेक्चर का। आज जो हमारा लेक्चर होगा वो उर्दू ग्रामर के हवाले से, जो आपके सब क्या है ससेद अहमद खान का जो सबक है कौमी इत्तेहाद, उसके हवाले से कुछ ग्रामर के क्वेश्चन इसमें आए हुए, सवाल इसमें आए हुए। उसमें पहला सवाल जो है वो है हमारा जुमला इस्मिया और जुमले फेलिया की वजाहत। सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि जुमला कहते किसको है। जुमले के लफ्जी मानी है, जुमला कहते हैं अल्फाज के मजमू को जुमला कहते हैं। मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिलाने से, मुख्तलिफ अल्फाज को आपस में मिलाने से जो लाइन बनती है, जो जिसको हम जुमले से ताबीर करते हैं, जिसको हम जुमला कहते हैं, वो क्या है, वो मुख्तलिफ अल्फाज का मजमू होगा। अच्छा, अब बात करते हैं कि जुमले के कितने हिस्से हैं। जुमले के दो हिस्से हैं, जुमले के दो अक्सार हैं, दो अक्सार हैं, बल्कि हम कहते हैं दो अक्सार दो हिस्से हैं, अक्सार में सॉरी जुमले के दो हिस्से हैं। एक हिस्से को आप कहते हैं मसनद अलैह, मसनद अलैह, और दूसरे जो लफ्ज है मसनद। ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल है मसनद अलैह और मसनद। मसनद अलैह किसको कहते हैं? मसनद अलैह कहते हैं वो जुमले का वो पहला हिस्सा जिसमें किसी शख्स के बारे में या किसी चीज के बारे में वजाहत हो सके, इसके बारे में कोई मालूम हो सके, किसी शख्स या किसी चीज के बारे में कोई मालूम हमें मिल सके, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं मसनद अलैह, कोई चीज या किसी शख्स के बारे में, याद रहे कि कोई चीज या किसी शख्स के बारे में। अच्छा, दूसरा हिस्सा होता है उस जुमले का मसनद। मसनद किसको कहते हैं? मसनद कहते हैं जो कुछ कहा जाता है उस शख्स के बारे में या उस चीज के बारे में, जो बात बताई जाती है, बात की वजाहत की जाती है, जो बात हो रही होती है उसको हम कहते हैं मसनद। जो कुछ कहा जाता है, जो बात होती है, किसके बारे में? मसनद अलैह के बारे में जो बात होती है उसको हम कहते हैं मसनद। दोबारा वजाहत कर दूं कि मसनद अलैह के क्या मायने है। मसनद अलैह एक हिस्सा है जुमले का, पहला हिस्सा जो किसी शख्स या किसी चीज के बारे में कोई मालूम दे, कोई बात हो। मसनद के मायने है जो कुछ कहा जाए उस मसनद अलैह के बारे में, उसको हम कहते हैं मसनद। इसको कुछ मिसाल से इसकी वजाहत करते हैं कि मसनद अलैह और मसनद की वजाहत जुमले से होती है कि जुमले इसिया के अजाय तरकीबी। जुमले इसिया के लफ्जी मायने है इसम, इसम के इसम ही नाम, किसी चीज शख्स या जगह किसी का नाम, और अजाय तरकीब के मायने हैं इसके हिस्से। इसके कितने हिस्से होंगे उस जुमले के? उस जुमले के तीन हिस्से होंगे। पहले को कहेंगे मुब्तिदा, दूसरे को कहेंगे खबर, तीसरे को कहेंगे फेले नाकिस, तीसरे को कहेंगे फेले नाकिस। अब क्या है कि इसमें हम मसनद अलैह और मसनद को इसमें ढूंढते हैं। जैसे क्या है मसनद? मुब्तिदा के मायने है काम करने वाला। काम करने वाला क्या होगा? काम करने वाला मसनद अलैह तस्वर किया जाएगा, यानी किसी शख्स का नाम होगा या किसी चीज का नाम होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं मसनद अलैह। मसनद अलैह क्या है? या किसी शख्स का नाम या किसी चीज का नाम। ठीक है, काम करने वाला जो काम करता है, जिसके बारे में कोई बात हो रही, वो शख्स है या चीज है। जुमले इस्मिया के दूसरे दो हिस्से हैं खबर। खबर क्या है? खबर है किसी चीज के बारे में मालूमात देना, कोई वजाहत करना, किसी चीज को बयान करना, किसी चीज के बारे में मालूमात देना।
जाहिर करेगा किस चीज को, ये उसके जमाने को जाहिर करेगा कि ये काम, ये जो काम हो रहा है ये किस जमाने में हो रहा है, अभी हो रहा है, पहले हो रहा है या बाद में होगा। फिर नाकिस जाहिर करेगा जमाने को। अच्छा, अब यहाँ एक मिसाल हमें दी है, गुलाब खूबसूरत है, गुलाब खूबसूरत है। ये तो हो गया गुलाब मसनद अलै मुब्तिला, गुलाब के बारे में कोई वजाहत हो रही है, कोई बात हो रही है, कोई किस चीज के बारे में, किसी चीज के बारे में, किसी शख्स के बारे में, वो क्या होगा, वो मुब्तिला। ठीक है, दूसरा हिस्सा इसका है खबर, किसी चीज, इस चीज के बारे में कोई खबर दे रहा है, कोई मालूम दे रहा है, वो खबर क्या है कि वो खूबसूरत है, वो खूबसूरत इसका खबर है इस स्कूल का। तो हम कहते हैं इसको खबर के मानी में ताबीर करते हैं कि ये खबर देता है इस स्कूल का। जमाना क्या है, फिर नाकिस क्या है, है। गुलाब खूबसूरत है, ये हो गया क्या, मसनद अलै, मसनद मसनद अलै, ये जो हो गया, ये बाकी जो दो हिस्से हो गए इसके, ये क्या होगा, ये मसनद शुमार होगा। पहला हिस्सा जुमले का, यहाँ पे वजाहत कर दिया कि जुमले के दो हिस्से होते हैं, किसी भी जुमले के दो हिस्से होंगे, एक का ताल्लुक मसनद अलै से होगा, दूसरे का ताल्लुक मसनद से होगा। अब यहाँ हम इसकी निशानदेही करते हैं कि ये गुलाब जो है वो क्या है, गुलाब जो है वो मसनद अलै, जिसके बारे में कोई बात हो रही है उस, इस गुलाब के बारे में, इस चीज के बारे में। और दूसरा जुमला क्या है कि वो है खूबसूरत है, ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है, ये गर्म है, ये ठंडा है, ये जो मालूम देंगे वो मसनद अलै शुमार होगा। यहाँ पर तो हमने अब इसको किसी चीज से ताबीर की, ये गुलाब जो है वो किस्म है, कोई चीज है। दूसरी बात कहते हैं कि उमर, उमर किसी शख्स का नाम, बच्चे का नाम, किसी शख्स का नाम, कि उमर क्लास में नहीं था, ये दूसरी मिसाल इसकी, उमर क्लास में नहीं था। अब तो ये हो गया मसनद अलै, ठीक हो गया, ये हो गया, ये खबर फेल नाकिस जो होगा ये हो जाएगा इसका मसनद। मसनद क्या है, ये मालूमात देता है इसके बारे में, जो मालूमात देगा वो मसनद कहलाएगा, जिसके बारे में बात होगी वो मसनद अलै तसव्वुर किया जाएगा। ठीक है, उमर मसनद अलै क्लास में नहीं था, ये मसनद शुमार होगा। लालच बुरी बला है, अब ये जो लालच है ये इसम है, किसी चीज का नाम है, जरूरी नहीं कि इसको छुआ जाए, अभी जैसे गुलाब है इसको हम छू सकते हैं, हाथ में पकड़ सकते हैं, ये लालच लफ्ज है, ये इसम में शुमार होता है, इसको छुआ तो नहीं जा सकता लेकिन महसूस किया जा सकता है कि लालच लफ्ज आएगा इसम में। लालच बुरी बला है, तो ये लफ्ज जो है ये बुरी जो है ये खबर से मानी लेता है कि ये खबर दे रहा है किसके बारे में, लालच के बारे में। और ये है जो है वो फेल नाकिस, तो लालच बुरी बला जो दोनों को हम इस्तेमाल करें तो ये हो जाएगा मसनद। ठीक है, आगे चौथा क्या है, चौथा पानी गर्म है, पानी क्या है, किसी चीज का नाम। ठीक है, वो नाम किसी चीज का नाम वो क्या होगा, ये या तो चीज का नाम होगा या शख्स का नाम होगा, लेकिन ये इसम होगा। ठीक है, याद रखिए मेरी बात की, ये इसम, ये हर सूरत में ये इसम होगा, किसी शख्स, किसी जगह, किसी चीज का नाम को इसम में तसव्वुर किया जाएगा। अब ये जो है ये मसनद अलै, इसके बारे में बात हो रही है, इसके बारे में बात हो रही है, ये मसनद अलै, और जो बात हो रही है वो क्या होगा, वो मसनद कहलाएगा, इसके बारे में बात हो रही है तो मसनद अलै, और ये जो मालूमात दे रही है, जो बात हो रही है वो मसनद। तो गर्म है, गर्म क्या चीज है, वो पानी, गर्म क्या चीज है, वो चाय, गर्म क्या चीज है, वो जगह, गर्म क्या चीज है, वो इलाका। तो ये जिस चीज के बारे में बात होगी मसनद अलै, और जो बात होगी वो मसनद कहलाएगा। यहाँ एक चीज की वजाहत करती जाऊंगी, यहाँ पर मसनद अलै या मुब्तिला ये एक
आले मातूफ, ठीक है। मातूफ क्या है और मातूफ को मिलाने वाली चीज जो है वो हरूफ आतफ है। अब इसकी वजाहत क्या है, मातूफ आले क्या है और मातूफ क्या है। ऐसे इसम, ऐसे अल्फाज, ऐसे इसम जिसका ताल्लुक दूसरे से हो, यानी हिरा और आयशा जमीन है। अब मैंने हिरा ये भी इसम में शुमार होता है, ठीक है, और ये भी इसम है। जब दो इसमों को आपस में मिलने वाले जो हर्फ है वो हरूफ आतफ है। दो इसमों को आपस में मिलाने वाला हर्फ जो कहलाता है वो हरूफ आतफ कहलाता है। तो हिरा और असम ये क्या है, ये मुब्तिला में शुमार होगा। ये इसकी दो हिस्से है, ये मुब्तिला में शुमार होगा। हिरा और असम क्या है, जमीन है। अब जमीन क्या है, जमीन खबर में शुमार होता है कि ये जमानत इनकी अकलमंदी को जाहिर करता है। ये दोनों क्या है, हिरा और आयशा जमीन है। तो जमीन है क्या, इस हाल पर ये दोनों मिलकर क्या बनता है, मसनद अलैह। ये मालूमात देता है जमीन किसको, हिरा और आयशा के बारे में मालूमात देता है। क्या है, जमानत वाले हैं। तो मसनद अले और मसनद दो मिलकर ये जुमला बनाता है, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी वजाहत की करूँ कि मुब्तिला के दो हिस्से ये तो है कि लफ्ज़ में इस्तेमाल करना, जैसे गुलाब है, इसम है, लालच है, पानी है। यहाँ पर मुमकिन है, उर्दू में ऐसे अल्फाज इस्तेमाल होता है जिसको हुरूफे मातूफे अलै और मातूफ ये दोनों मिलकर एक इसम की वजाहत करते हैं, जिसने आपस में इनको जोड़े रखा किस चीज से और से, जो हुरूफे आतफ है। क्लियर हो गया, ये दोनों शुमार होंगे मसनद अलै में, ठीक है। मसनद अलै और मसनद मिलकर जुमला बनाता है, इसलिए यही तो पार्ट्स मातूफे अलै मातूफ। इस पहले वाले को मातूफे अलै क्यों कहते हैं, इस बात की जरा आप गौर करें। इस बात पर अलै कहते हैं पहले को किसी चीज की तरह इशारा। इस लफ्ज को का ताल्लुक होगा किसके साथ, पहले मातूफे अलै और फिर मातूफ। पहले आने वाला लफ्ज होगा वो अलै कहलाएगा, मातूफे अलै, और इसका ताल्लुक किससे है कि हिरा और आयशा। तो बाद में आने वाला जो हर्फ इसम होगा वो मातूफ कहलाएगा, और इसको मिलाने वाला लफ्ज होगा वो और होगा। अच्छा बच्चों, उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी, ये जो जुमले हैं ये क्या कहलाते हैं, जुमला इस्मिया। अब यहाँ वजाहत ये कर दी जाओ कि जुमला इस्मिया क्या है जिसका ये मसनद अलै और मसनद ये, ठीक है, इसमें खबर ये जो है ये दोनों इसम होंगे। जब ये भी इसम किसी शख्स चीज या जगह का नाम और ये भी इसम में शुमार हो तो उस जुमले को उर्दू ग्रामर में क्या कहते हैं, जुमला इस्मिया, ठीक है, जुमला इस्मिया। जिस जुमले का मसनद अलै और मसनद दोनों इसम हो, जैसे ये ना खूबसूरत, ये किसी चीज का नाम है, खूबसूरत इसम है, क्लास में, क्लास क्या है, इसम है। बुरी बला क्या चीज है, ये इसम है, इसम ना। गर्म क्या है, किसी चीज की गर्माइश जाहिर करने, जो इसम है। जमीन क्या है, अकल वाला, ये इसम है, ये भी इसम, ये सारे हरूफ इसम, ये सारे हरूफ इसम। जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जुमला इस्मिया बनाते हैं। अच्छा, हमारा जो आज का टॉपिक था वो था जुमला फेलिया, जो सवाल हमारा था वो जुमला फेलिया था। लेकिन जुमला फेलिया समझने के लिए जुमला इस्मिया का समझना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर फेलिया की वजाहत करते हैं, फेलिया वो जुमले जिसमें किसी फेल का होना जाहिर हो, फेल किसे कहते हैं, काम, ठीक है। जुमले फेलिया के अजाय तरकीब क्या है, ये कितनी चीजों से मिलकर बना होगा, दो से, तीन से,
से भी ज्यादा, ठीक है। तो अज़ाई तरकीब जो इसकी है वो फाइल अलामत फाइल मफ़ूल फ़ेल, ये जुमला फ़ेलिया चार हर्फों से मिलकर बना हुआ है। जो जुमला बनेगा वो चार ग्रुप पर मुश्तमिल होगा। पहला द फाइल, क्या है फाइल? फाइल होता है काम करने वाला, फाइल काम करने वाला। अलामत फाइल क्या होगा? काम करने वाले को जाहिर करने के लिए, ठीक है। जो बात जाहिर होगी इस फाइल के लिए वो अलामत फाइल इस्तेमाल होगी। आगे मिसालों से इसको मैं वाज़ह करूंगी। मफ़ऊल, मफ़ऊल कहते हैं जिस चीज पर काम हो रहा हो, जिस चीज पर काम हो रहा हो उसको कहते हैं मफ़ऊल, ठीक है। और फिर कहते हैं काम को, फिर कहते हैं काम, ये काम किस जमाने में हुआ हो, अभी हुआ है, पहले हुआ था या होगा, इसमें जमाना पाया जाएगा, अभी का, पहले का, आने वाला जमाना। अच्छा, ये पहले मिसाल इसकी क्या है? असलम ने सबक, सलमा ने सबक पढ़ा, ठीक है। अब इन जुमलों में काम करने वाला क्या है? वो है सलमा। काम करने वाली क्या है? वो है सलमा, जो इस सब को जाहिर करने की शख्स का नाम है। काम करने वाला, ठीक है। अलामत फेल क्या होगा? ने, किसने? सलमा ने। तो ये अलामत फेल क्या है? ये है इसके लिए इस्तेमाल हुआ है, सलमा के लिए, ठीक है। मफ़ऊल क्या कर रही हो? सबक पढ़ रही है। क्या कर रही है? सबक पर काम हो रहा है। तो सबक क्या होगा? वो मफ़ऊल, जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। आगे है फेल, फेल काम, कब किया, क्या किया, पढ़ा या लिखा या क्या किया उसके साथ, सब के साथ उसको पढ़ा। तो पढ़ा जो है वो फेल तसव्वुर किया जाएगा, किस पर ये काम हुआ। सलमा ने सबक पढ़ा, ये क्या है? ये पढ़ना जो है ये काम को जाहिर कर रहा है, इसलिए हम कहते हैं कि जुमला जो है जुमला फेलिया कहलाता है, ठीक है, क्योंकि ये काम को जाहिर करता है। इसम के साथ, इधर मैं लिख देती हूँ, इसम के साथ, इसम प्लस फेल, जिसका मसनद अलै इसम हो और इसका मसनद क्या हो, फेल हो, ये हो गया इसम, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मसनद अलै। और ये क्या है? इसने सबक पढ़ा, क्या किया इसने, ये हो गया इसका मसनद। तो जब मसनद अलै इसम हो और मसनद क्या हो, वो काम को जाहिर करे, उस जुमले को हम कहते हैं जुमला फेलिया, ठीक है। उस जुमले को हम कहते हैं जुमला फेलिया। दोबारा सुने कि वो जुमला जिसका मसनद अलै इसम हो और उसका मसनद क्या हो, फेल हो, काम को जाहिर करे, वो जुमला फेलिया कहलाता है। यहां पर दूसरी मिसाल इसकी क्या है कि अकरम ने, ठीक है, कि अकरम ने फिल्म देखी। अकरम क्या है? ये इसम को जाहिर करता है। ने क्या है? ने जो जाहिर करता है वो अलामत फेल, ठीक है। फिल्म क्या है? मफ़ऊल है, इस पर काम हो रहा है। क्या कर रहा है? लिख रहा है, पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? ये लफ्ज़ जो है फिल्म, ये मफ़ऊल को जाहिर करता है, वो चीज जिस पर काम हो रहा हो, ठीक है। क्या क्या? देखी, वो फिल्म देखी। देखी लफ्ज क्या है? ये फिल्म को जाहिर करता है, काम को जाहिर करता है। तो इन जुमलों में ये इसम और ये मसनद अलै जो है वो क्या है? वो फिल्म, ठीक है। तो जिन जुमलों में मसनद इसम, मसनद